इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हिंदुस्तानी भाव की पत्नी ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में आखिर क्या है यह पूरा मामला। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि टेलीविजन के रियलिटी शो बिग बॉस 13 में इन दिनों दर्शकों को काफी मजेदार ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। घर वालों के बवाल के चलते शो की टीआरपी पर भी फर्क पड़ रहा है। शो में वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री करने वाले हिंदुस्तानी भाव उर्फ विकास पाठक दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हुए हैं। लेकिन घर के बाहर उन्हें लेकर हंगामा बरपा हुआ है। उनकी पत्नी ने पुलिस में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है। हिंदुस्तानी भाव की पत्नी अश्विनी ने सोशल मीडिया पर उनके पति के खिलाफ गलत बयानों को लेकर मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर हिंदुस्तानी भाव के खिलाफ कई गलत और फर्जी मैसेज वायरल हो रहे हैं। इस बीच कई लोग खुद को हिंदुस्तानी भाव का रिश्तेदार बताकर मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन उनकी पत्नी के मुताबिक जो लोग खुद को हिंदुस्तानी भाव का भाई, बहन और आंटी बता रहे हैं वो सभी फर्जी हैं। इन सभी से उनका कोई रिश्ता नहीं है। पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि हिंदुस्तानी भाव के परिवार में पत्नी के अलावा उनकी माँ, बेटा, सास, पिता और भतीजी भतीजा संदेश ही है। अगर कोई दूसरा शख्स भाव का नाम लेकर फायदा उठाने या अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा तो इसके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अश्विनी ने मीडिया से ऐसे फर्जी लोगों के इंटरव्यू न लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा विकास पाठक के खिलाफ उनके किसी फर्जी रिश्तेदार के इंटरव्यू न ले और गलत संदेश और वीडियो को अपलोड न करे, इससे विवाद पैदा होगा। तो दोस्तों, इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।